हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। तो रोहित शेट्टी पिक्चर्स, अजय देवगन और जियो स्टूडियोज की सिंगम अगेन, स्टारिंग अजय देवगन, दीपिका पादुकोण और केमियो में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और सलमान खान, इन सबका केमियो है। तो ट्रेलर सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी काफी तारीफ की। मतलब टोटल आउट एंड आउट मसाला फिल्म, एक्शन पैक फिल्म, टोटल मतलब गुड थ्रिलर एक्शन, मजा आएगा। यू गोइंग टू ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस, सब कुछ अच्छा है। पीछे में धमाकेदार परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन, गाने तो भी आए नीलम शो, गाने भी अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा है। वो एक चीज मुझे खटक रही है कि पिक्चर का जो विलन है अर्जुन कपूर, अभी अर्जुन कपूर को मारने के लिए आधा बॉलीवुड आ गया, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब सिर्फ अर्जुन कपूर को मारने के लिए अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, ये दो तो है, करीना कपूर, तीन हो गए। केमियो में अक्षय, टाइगर, रणवीर, सलमान खान, जब सात लोग अर्जुन कपूर को मारने जा रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों। क्योंकि गब्बर सिंह को मारने के लिए सिर्फ दो ही लोग थे, बच्चन साहब और धर्म जी। मोगेम्बो को मारने के लिए सिर्फ अनिल कपूर अकेले थे, अलोंग विद श्रीदेवी जी। फिर लोहा में अमरीश पुरी को मारने के लिए धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर का बेटा करण कपूर था। मतलब ये सब बड़े बड़े विलन्स हैं। और शाकर को मारने के लिए अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, शान, उससे ज्यादा द गॉड ऑफ ऑल द विलन प्राण साहब, उनकी पुरानी फिल्म में देखिए, वो जबरदस्त विलन थे सबके, इज द गॉड फादर ऑफ ऑल द विलन। तो उनको भी मारने के लिए एक दो हीरो होते थे पुरानी फिल्म में, आप देखो प्राण साहब की। उसके लिए आप शक्ति कपूर का फिल्म में देखो, कादर खान की फिल्म में देखो, गुलशन गुरु की फिल्म में देखो, जितने भी जो बड़े बड़े अनुपम खेर जी, जितने लोगों ने विलन का रोल किया उनकी फिल्मों में, विलन को मारने के लिए एक या दो हीरो होते, ज्यादा तीन हीरो होते। ठीक है, अर्जुन कपूर को मारने के लिए सात सात लोग, चार केमियो में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, रणवीर सिंह, ये चार लोग केमियो में तो है ही। उसके अलावा अजय देवगन और दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, सात लोग मारने के लिए सिर्फ अर्जुन कपूर को, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। आई एम श्योर मेरी बात से आप लोग सहमत हो गए कि अर्जुन कपूर को मारने के लिए इतने सारे लोग, ये थोड़ा गलत हो गया। अदरवाइज टुगेदर इज सुपर्ब, एक्शन एवरीथिंग इज सुपर्ब, थ्रिलर पार्ट इज ऑल्सो सुपर्ब, रोहित शेट्टी का ट्रेन मांगे ब्लास्टिंग द कार्स एंड ऑल दैट, एवरीथिंग इज सुपर्ब एक्सेप्ट दिस थिंग। ये थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों मुझे कि पहले के जमाने खूंखार विलन होते थे। आप देखो कोई लोहा फिल्म देखो, क्या लगते थे खूंखार, प्रांगी साहब की पुरानी फिल्में देखो, क्या खूंखार विलन लगते थे लोग, आदमी कांप जाते थे। गुलशन गो, शक्ति कपूर, कादर खान, अनुपम खेर, सब विलन बनते थे तो लोगों को डर लगता था। अमजद खान, इन गब्बर सिंह, कुलभूषण कबीरदास, शाकाल, मोगेम्बो, दमदार थे, सदाशिव अमराव, महारानी, सब देखो उनको मानने के लिए एक दो हीरो होते थे, और अर्जुन कपूर को मानने के लिए इतने सारे लोग, आधा बॉलीवुड। देखते हैं कितना पावर दिखाते हैं अर्जुन कपूर सिंगम थ्री में, कि इतने सारे लोग उनको मारने आते हैं। फिल्म जब रिलीज होगी फर्स्ट नवंबर को तब पता चलेगा, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है कि अर्जुन कपूर को मारने के लिए आधा बॉलीवुड आ गया। दोस्तों लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। टिल देन की वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैटिनी आइडल, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।